एशेज सीरीज के दोनों टेस्ट मैच खत्म हो गए हैं और दोनों टेस्ट मैच में ही ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बुरी तरह मारा है। पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि दूसरे टेस्ट मैच में 275 रन से जीती। ऐसी घटिया परफॉर्मेंस के बाद इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने इंग्लैंड टीम का क्लास लिया है। इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने पूरी इंग्लैंड टीम को मीटिंग में बुलाया और टीवी स्क्रीन पर उनके विकेट्स दिखाए। टीवी स्क्रीन पर उन्होंने इंग्लैंड टीम के सेकेंड टेस्ट में हुए फॉल ऑफ विकेट्स के फुटेज दिखाए और बैट्समैन के मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर मार्क वुड ने बताया कि उनके कोच बहुत ही एनॉयड थे और एक बदलाव चाहते थे। अब कोच तो गुस्सा हो गई, पहले इंडिया ने इनकी बजाई, अब ऑस्ट्रेलिया बजा रही है। मुझे लगता है शायद 5-0 से बजा देगी ऑस्ट्रेलिया इसकी। 22 दिसंबर को 83 मूवी का प्रीमियर हुआ। 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले टीम के पूरे प्लेयर्स को प्रीमियर में बुलाया गया। फिल्म देखने के बाद सुनील गावस्कर ने 83 के सारे एक्टर्स की तारीफ की। सुनील गावस्कर ने बताया कि सारे एक्टर्स ने प्लेयरों के लुक्स, चाल चलन और मैनर्स की कॉपी अच्छे तरीके से की। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर उन्हें 2007 और 2011 वर्ल्ड कप की फीलिंग्स याद आ गई। वहीं कपिल देव अपने टीम मेंबर यशपाल शर्मा के प्रीमियर में मौजूद न होने के कारण काफ़ी दुखी थे। आपको बता दें कि यशपाल शर्मा का देहांत इसी साल 13 जुलाई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। कुछ दिन पहले विराट कोहली और बीसीसीआई का कंट्रोवर्सी हुआ था, जब बीसीसीआई ने विराट कोहली को ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया था। उसके बाद सौरभ गांगुली ने आके बयान दिया था, जिसका फॉर्मर कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने विरोध किया है। दिलीप वेंगसरकर फॉर्मर सिलेक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने गांगुली से विरोध जताते हुए कहा कि इस कंट्रोवर्सी को हैंडल उनको ठीक ढंग से करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कैप्टन सिलेक्शन सिलेक्टर्स का काम है और बीसीसीआई चेयरमैन को इसके अंदर दखल देना नहीं चाहिए। आईपीएल के मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में किया जाएगा। इस मेगा ऑक्शन में करीब करीब 1000 प्लेयर्स एनरोल किए जाएंगे। सभी प्लेयरों को 17 जनवरी से पहले अपना नाम एनरोल करने के लिए कहा गया है। मेंस और वुमेन्स हॉकी दोनों के रैंकिंग्स निकल गए हैं। आइए देखते हैं किसका क्या रैंकिंग्स है। मेंस हॉकी में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, जबकि बेल्जियम सेकंड नंबर में है और थर्ड पोजीशन पे इंडिया बना हुआ है। जबकि वुमेन्स हॉकी में नेदरलैंड नंबर 1 पे है, इंग्लैंड सेकंड में है और थर्ड में अर्जेंटीना है, जबकि भारत का स्थान 9वें नंबर पे है।